हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार सुमेत। सामने आप देख रहे हो भाई, जानी पहचानी है शक्ल सूरत से। नाम भले ही बदल दिया कंपनी ने, लेकिन आज भी मेरे मुंह से तो भाई कभी कभी TUV निकल जाता है। तो भाई यह है बोलेरो नियो, सच्ची बजट SUV इसको मैं बोलता हूं। अब उसके पीछे रीज़न क्या है, ये भाई बहुत तगड़े तगड़े जो क्राइटेरिया होते हैं ना एक प्रॉपर SUV होने के, उनको बहुत ईजीली फुलफ़िल कर देती है। सबसे पहली चीज़ भाई रोड प्रेजेंस, ऊँची चौड़ी बड़ी गाड़ी वाली फीलिंग सामने से देखने पर, ठीक हो गया, ये हो गया काम पूरा, एक क्राइटेरिया फुलफ़िल। उसके बाद क्लैडिंग वगैरह पूरे में दिए, ये तो आप कहोगे यार दूसरी गाड़ियों में भी आ रही हैं, छोटी से छोटी हमारी कई तो एस्प्रेसो पे भी क्लैडिंग वगैरह लगा देते हैं पूरी, चलो उसको छोड़ते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बड़े बड़े पहिए, ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस। अब ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस देखने में है भाई और है भी, लेकिन कंपनी 180 बताती है, मे बी कहीं लोएस्ट पार्ट होगा जो 180 mm होगा, लेकिन भाई वैसे काफ़ी ज़्यादा है। और एक रियल वाली SUV में फीलिंग तभी आती है जब हम भाई फुट स्टेप जो होता है उस पर पैर रख के चढ़ते हैं, इसमें वही चीज़ हमको करनी पड़ती है। उसके बाद एक तगड़ी फीलिंग आती है SUV वाली जब गाड़ी में वजन हो, तो भाई इतनी भारी गाड़ी है, लिटरली मैं कहूँ कि जो अपनी XUV 700 खड़ी है ना वरी, उससे भी भारी है। 2200 किलो की गाड़ी है ये, 2200 किलो की, क्या बात है। और इन सबसे सबसे ऊपर जो प्राइमरी चीज़ कह सकते हैं बताई मैंने लास्ट में, वो है भाई रियर व्हील ड्राइव। तो बिल्कुल ये रियर व्हील ड्राइव है। अब आपको ये सारी चीज़ें इतना इजीली नहीं मिलेंगी किसी एक प्रोडक्ट में, सारे क्राइटेरिया अगर आप टिक मार्क करने लगो तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ पीछे ज़रूर छूट जाएगी, लेकिन इसमें वो सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। तो भाई ये है अपने पास बोलेरो नियो का N8 वेरिएंट। वेरिएंट इसमें आते हैं 4 टोटल, पहला आता है N4 बेस हो गया, फिर उसके बाद N8, फिर N10, फिर N10 ऑप्शनल, ये हमारे पास बीच का वेरिएंट है। बेस जिसको नहीं लेना नहीं अच्छा लगता कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती थोड़ी है, उसके ऊपर वाला ही आ जाता है। सबसे बढ़िया है इसकी प्राइसिंग में, प्राइसिंग पहले क्यों बता रहा हूँ क्योंकि भाई सुनते ही मज़ा आ जाता है, और इस प्राइसिंग में इसके जो बाकी क्वालिटीज़ हैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ आगे मैं, उनको सुन के और ज़्यादा मज़ा आता है। तो भाई प्राइसिंग है इसकी सिर्फ 9,99,900, मतलब 10,05,000 कम, ठीक। अब इतने में भाई ऐसी चीज़ आपको, सबसे पहले ये कहूँ 2200 किलो की SUV मिल रही है, तो भाई कहने ही क्या है, ऐसी चीज़ किसी और ब्रांड में नहीं मिलती रियल में जो महिंद्रा दे रही है इस गाड़ी के थ्रू। तो भाई बातें हो गई बहुत, अब आ जाती है बात मुद्दे की। सबसे पहले सामने हम देखते हैं तो सेकंड वेरिएंट है, और भाई इसमें आपको क्रोम वगैरह कुछ नहीं मिलता आपको, लेकिन फिर भी ग्लॉसी सिल्वर फिनिश दी हुई है, और भाई काफ़ी ब्रॉड लुक लगता है, बुची लुक लगता है बहुत, बिल्कुल ऐसे जिसे कहते हैं ना धमाकेदार सा आगे का फ्रंट, कहीं से भी इसमें एलिगेंस नहीं आती। देखने में आपको लगेगा कि यार थोड़ी सी एलिगेंस वाली गाड़ी है, इसमें बिल्कुल माचो वाली फीलिंग आएगी, ज़बरदस्त मर्दानगी वाली जो होती है ना एक कैरेक्टर, वो इसमें आता है। तो भाई नीचे आपको बड़ा सा बम्पर मिल रहा है, ब्लैक कलर का पोर्शन है जो कि SUV वाली फीलिंग देता है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं और उसके साथ इंडिकेटर, और यहाँ पर ये पायलट लैंप है, सारे के सारे हैलोजन है और कुछ इसमें नहीं है। मेन चीज़ है चौड़ाई, तो भाई 1794 mm, मतलब 1800 mm के लगभग इसकी चौड़ाई है, क्या बात है। इतनी चौड़ी गाड़ी भाई 1,000,000 से नीचे नहीं मिलती। अब ऑन रोड की बात करो तो भाई हाँ ऑन रोड महंगी पड़ती है, मैं एक्शोरूम बताता हूँ। एक्शोरूम बताने का रीज़न ये होता है भाई हर स्टेट में अलग अलग टैक्सेस लगते हैं, फाइनल जो गाड़ी पड़ेगी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस ज़्यादा आते हैं। आप हिमाचल की बात करो तो वहाँ बहुत कम टैक्स है, आप नीचे कर्नाटक चले जाओ तो वहाँ बहुत ज़्यादा टैक्स है, इसीलिए मैं एक शोरूम बताता हूँ। और अपने यहाँ का मैं आपको बताया था, मैं हूँ इस समय महिंद्रा रुद्रपुर में है, कुमार ऑटो व्हील्स। उत्तराखंड में अगर आप बात करोगे तो 11,500 की पड़ जाएगी आपको, ठीक होगी बात। अब आ जाते हैं भाई साइड प्रोफाइल पे, तो साइड प्रोफाइल में आपको बिल्कुल SUV के कैरेक्टर है, C8 का टायर मिल रहे हैं बड़ी साइड प्रोफाइल के, तो भाई ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है किसी SUV के लिए, मज़ा सा तभी आता है। और इसकी प्रोफाइल अगर देखते हैं तो 215/75R 15 इंच का है, लेकिन भाई 215 चौड़ाई है जो कि ज़रूरी है, गाड़ी भी इतनी चौड़ी है इतनी दमदार है। साइड प्रोफाइल से हम देखते हैं पूरी की पूरी साइड बीडिंग आपको दी हुई है, जिसमें ये जो आपके हैंडल है ना ये ब्लैक कलर के ही अच्छे लगते हैं, यहाँ पर अगर बॉडी कलर्ड होता तो एक ब्रेक जैसा आ जाता साइड क्लैडिंग में, इसी वजह से टॉप वेरिएंट में भी ऐसे काले हैंडल मिलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर मिरर देखते हैं तो भाई मिरर में इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं है, वो मिल रहा है यहाँ पर क्योंकि सेकंड ही वेरिएंट है, बाकी पिलर्स कोई भी आपको ब्लैक आउट नहीं है। इस तरह से गाड़ी मिल रही है, पूरी प्रोफाइल आप देख रहे हो, और फुट स्टेप जो है वो साथ में ही आता है इसके, ऊपर कोई रूफ रेल वगैरह नहीं है, एंटीना ज़रूर दिख रहा है नॉर्मल वाला पावर एंटीना। तो भाई ये हो गई हमारी साइड प्रोफाइल, और हाँ यहाँ पर दिख रहा है हमको व्हील बेस, तो भाई 2680 mm का इसमें व्हील बेस मिल रहा है जो कि वाकई में काफ़ी सही है, अंदर स्पेस वगैरह ठीक ठाक मिल जाता है। आगे की सीट्स पे तो काफ़ी, पीछे की सीट अभी दिखाऊंगा क्योंकि जंप सीट्स है, टिपिकल जंप सीट वाला इसमें नेचर आपको मिलेगा। और यहाँ पर देखते हो और क्या, हाँ लेंथ देखने में आपको बहुत बड़ी लगती है सामने से गाड़ी की, भाई बहुत ज़बरदस्त बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी होगी, लेकिन सब 4 मीटर के अंदर आती है ये, भाई यही कलाकारी है महिंद्रा की। अब यहाँ पर देखते हैं 1, 2, 3, मतलब मैं 3 क्यों गिन रहा हूँ इसे, क्योंकि पूरी विंडो है ये भी, 3 ग्लास मिलते हैं आपको।
आ जाते हैं रियर प्रोफाइल पर, तो भाई कुछ ऐसे मिल रही है आपको रियर प्रोफाइल, जैसी बढ़िया चौड़ी सी आगे लगती है उससे ज़्यादा चौड़ी पीछे से लग रही है ये। जो भी यहाँ पर आपको मिल रहे हैं बल्ब सारे के सारे हैलोजन है, स्टॉप लैंप इंडिकेटर ये हो गया रिवर्स और नीचे एक और स्टॉप लैंप हो गया। मज़ा तो ऐसे ही आता है जब टायर पीछे लग रहा हो। इको स्पोर्ट जो गाड़ी थी बाकी बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें एक एक्स फैक्टर बोलते हैं ना जो करेक्टर दिया था वो पीछे के लगे हुए टायर ने दिया था। और भाई मज़ा तभी आता है जिन जिन ने टायर निकलवाया, चाहे बोलेरो में से निकलवाएं या इसमें से भी निकलवाएं, मज़ा ख़राब हो जाता है पीछे का। ये मेरे को अच्छा लगता है, बाकी होगा पता नहीं। ठीक हो गई, ये यहाँ दिया है, यहाँ पर आपको डिफॉगर भी दे दिया, साथ में आपको वाइपर भी दे दिया। सेकंड वेरिएंट है, दोबारा बता रहा हूँ, जो आपको आता है N8 नाम से, ये आपको बैजिंग दिख रही है, ये हो गई। बोलेरो ने यहाँ लिख दिया, पहले TUV भी लिखा आता था, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। TUV नाम हो सकता है तारे सितारों में सेट ना बैठा। तो भाई वाइपर डिफॉगर बता दिया, यहाँ हाई माउंट स्टॉप लैंप बहुत बड़ी है भाई, यहाँ से यहाँ तक की है। और ऊपर स्पॉयलर छोटा सा, गाड़ी बड़ी है लेकिन स्पॉयलर छोटा, कहाँ छोटी छोटी गाड़ियों में इतने बड़े बड़े स्पॉयलर दे रहे हैं। तो भाई इस तरह से पूरा है, हैंडल वैसे ही काला आपको दे दिया जैसे साइडों में दिया है। नीचे आपको दो पॉइंट मिल जाते हैं, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, ये हो गया रिवर्स पार्किंग सेंसर, और दो हो गए यहाँ पर हमारे रिफ्लेक्टर। ये मिल रहा है आपको चढ़ने के लिए, अंदर बैठने के लिए, क्योंकि बिना पैर रखे तो चढ़ा नहीं जाता इसमें, हम जैसी हाइट वालों के लिए तो खासकर 5'5" हाइट है, पैर रखना ही पड़ता है इसमें। ठीक, यहाँ पर आ जाते हैं भाई इस प्रोफाइल पे अगेन, तो यहाँ पर अरे कितना ही बड़ा ये फ्लैप है, देख रहे हो आप भाई, इतना बड़ा ये फ्लैप यहाँ पर मिल रहा है आपको। अब इसमें कैपेसिटी की बात करें कितना आ जाता है इसमें डीजल वगैरह, क्योंकि डीजल ही है तो भाई 50 लीटर की इसमें टंकी दी हुई है आपको। आते हैं फिर से फ्रंट पे, सारी चीज़ें हो गई, लंबाई बता दी, 4 मीटर है, चौड़ाई हो गई हमारी लगभग 1800 mm है, व्हील बेस हो गया 2680, ग्राउंड क्लियरेंस हो गया 180, वजन हो गया 2200 किलो। अब उसके अलावा चलते हैं अंदर। तो भाई अंदर जाने के लिए चाहिए हमको चाबी, चाबी में आपको इस तरह की सेंटर लॉकिंग साथ में मिल रही है, क्या बात है, सेम की है जैसे आपको 25-26 लाख की गाड़ी मिले होंगे जो हमारी X7 सेम वैसी है, लॉक अनलॉक और उसके साथ यहाँ पर जो हमारे फ्लैश होने के लिए टू टू करके बताती रहेगी, फाइंड मी टाइप का फीचर है, क्या बात है, बढ़िया चीज़ है। अब खोलते हैं भाई इसका गेट, मेन चीज़ इसमें क्या ध्यान देनी है, आप देखो डिज़ाइन का करेक्टर है, सारे के सारे डोर हैं यहाँ से तो ठीक है, लेकिन ऊपर जाती ऐसे तिरछे, पूरी गाड़ी का जो एक डिज़ाइन थीम है वो इस तरह से ऊपर का एरिया इस तरह से पीछे की तरफ है ना, तो ये जो कॉर्नर है ना आपको थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी दूसरी गाड़ियों से कि ये जैसे आप खोलते हो तो ये आपकी तरफ को आता है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी 2-4 दिन में ही, और कुछ नहीं है, तो एक कदम आप पीछे हटाने लगोगे। ठीक, अब आती है बात यहाँ की डोर ट्रिम की, डोर ट्रिम में आपको बीज कलर दिख रहा है, ज़्यादातर बोलेरो वगैरह में भी यही कलर कमांड करता है, इसमें भी ऐसे ही दिख रहा है। यहाँ पर अंदर देखो ब्लैक कलर कम है, बीज कलर ज़्यादा है, पूरा का पूरा हार्ड प्लास्टिक है, सॉफ्ट हाउस नहीं है, हैंडल दिया हुआ है जो कि एसयूवी वाला बड़ी गाड़ी वाला करेक्टर देगा, इसको लगा देते हैं यहाँ भाई, ये देख रहे हो आप, बाकी और क्या है, बस बॉटल होल्डर, यहाँ पर स्पीकर ग्रिल दी हुई है, स्पीकर ग्रिल ज़रूरी थी देनी क्योंकि इसमें स्टीरियो भी दिया हुआ है, अभी वो भी दिखाता हूँ। बाकी आपने सारी चीज़ें देख ली, और ये यहाँ पर आप देख रहे हो ये मिल रहा है आपको घुमाने वाला बड़ा सा हाथ से, क्योंकि मैनुअली एडजस्टेबल है, इससे ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होगा, लेकिन फ़िलहाल इसमें है काफ़ी बड़ा। अब आती है बात सीट की, तो भाई सबसे पहले चीज़ वही जो यहाँ से चढ़ते हैं अच्छा खासा ऊंचा, इस पे पैर रखे बिना नहीं चढ़ाया जा सकता। अब देखते हैं ज़रा इसका अंडर थाई सपोर्ट, ओ हो बहुत ज़्यादा है, मोर देन सफिशिएंट है, बड़ी गाड़ी में बड़े बंदे बैठे, क्योंकि अक्सर होता है जिनकी ज़्यादा हाइट होती है वो बड़ी गाड़ी लेते हैं, लेकिन कुछ गाड़ियों में ऐसा साइज़ तो बड़ा है लेकिन सीट जो हैं वो छोटी छोटी दे रखी है, तो अंदर भी उनके पैर जो है हवा में रहते हैं थोड़े, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा अंडर थाई सपोर्ट है। यहाँ पर कुशनिंग काफ़ी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और मेन चीज़ देखो आप चौड़ाई कितनी है बीच में, अभी वो दिखाऊंगा मैं वहाँ। यहाँ पर हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाते हैं, अब जरा बैठते हैं वैसे ही पैर रख के और स्टेयरिंग पकड़ के, क्या बात है, मज़ा सा तो तभी आता है कि भाई बड़ी गाड़ी में हम बैठ रहे हैं। इसको करते हैं बंद। तो भाई ये मिल रहा है आपको कुछ इंटीरियर, यहाँ से देखने में तो ठीक ठाक सोना सोना सा ही लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि भाई नीचे का कोई वेरिएंट है, क्योंकि सेकंड ही है, नीचे का ही मानते हैं इसे, क्योंकि इससे ऊपर भी दो वेरिएंट आ जाते हैं, तो ओवरऑल देखने में तो सही लग रहा है। यहाँ पर ब्लैक कलर का ज़्यादा कमांड है इसीलिए अच्छा लग रहा है, क्योंकि साइड में आपको जैसे ये ट्रिम है डोर ट्रिम, यहाँ पर ब्लैक कलर बहुत कम दिख रहा है। ठीक, ये हो गया हमारा स्टेयरिंग, अब स्टेयरिंग के अंदर पहले झांकते हैं, यहाँ पर चाबी को करते हैं हम ऑन। तो भाई चाबी हो गई हमारी ऑन, ओए होए देर में रेस्पॉन्स किया, लेकिन भाई स्वाइप अप एंड डाउन बोलेरो नियो लिखा आ गया है, और यहाँ पर दोनों एनालॉग दिए हैं, ओके आवाज़ बड़ी बिग बॉस वाली दी है इसमें भाई, कड़कड़ी सी बिल्कुल अच्छी लगती है। तो भाई यहाँ पर आपको एनालॉग में ही दिए हैं दोनों, 7000 RPM तक दिया है, क्या बात है, है डीजल इंजन वैसे, यहाँ टैको हो गया, इधर स्पीडो हो गया, और भाई बीच में आपको दे दी है ये इस तरह की MID। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से इंटरचेंज कर सकते हो,
ये देखो यहाँ से ट्रिप वगैरह की डिटेल हो गई, ये हो गया हमारा टेम्परेचर इंजन का, ये हो गया हमारा फ्यूल गेज, ठीक है। ओडो मेन यहाँ पर दिख रहा है 9 किलोमीटर, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरह से आप करेंगे, ये आप देख रहे हैं ये, ठीक हो गई। ये हो गई बात यहाँ की। अब आती है बात स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग आप देख रहे हो, हॉर्न देखें, हॉर्न मिल रहा है आपको डुअल टोन, मतलब दो हॉर्न है। हाँ, कई बंदे पूछ रहे थे भाई डुअल टोन का मतलब क्या है, रंग दो होते हैं क्या होता है, भाई डुअल टोन मतलब हॉर्न की जो टोन होती है हमारी, तो वो दो होती हैं, दो हॉर्न लगे होंगे, एक हाई टोन का एक लो टोन का। जो भी हमारा पेयर लगता है वो सेम फ्रिक्वेंसी का नहीं लगता, एक हाई पिच होती है, हाई फ्रिक्वेंसी, एक लो फ्रिक्वेंसी का होता है ना, तो वैसे ही इसमें दो टोन का लगा हुआ है सेटअप, मतलब डुअल हॉर्न का सेटअप है, ये होती है कहानी। अब आगे बात स्टेयरिंग की बात कर रहा था मैं बीच में, यहाँ पर लोगो दिया हुआ है, एयरबैग दो एयरबैग दे दिए, ये यहाँ पर टच दे दिया सिल्वर कलर का, बहुत रह रहा है जहाँ पर आ जा रहा है वो बढ़िया लग रही है चीज़, जैसे कि स्टेयरिंग। यहाँ पर कंट्रोल्स भी दे दिए, क्या बात है भाई, क्योंकि कई लोग कहते हैं भाई ये रूरल एरिया की गाड़ी है, रूरल इंडिया की है, अर्बन इंडिया की ज़्यादा इसमें सेल वगैरह नहीं देती, लेकिन भाई यहाँ पर अर्बन वाले फीचर भी दे दिए हैं, ठीक। तो भाई ये हो गई बात, ये क्यों बज रहा है, ये कर दी आवाज़ बंद हमने, यहीं पर ही देख लो भाई, इसमें आपको इस तरह की स्क्रीन मिल रही है, स्क्वायर शेप है, आजकल जनरली इस टाइप की नहीं दिखती स्क्वायर शेप में, तो भाई यहाँ पर बटन ही बटन है तमाम सारे के सारे इसको यूज़ करने के हैं, और बाकी टेलीफोनी के भी यहाँ पर दिए हुए इसके साथ यहाँ पर, ठीक हो गई बात। और बाकी ये अच्छे लगते हैं यार, जो स्क्रॉल होता है ना हमारा फीचर, मतलब ये अच्छा है, पूरा का पूरा टच मुझे अच्छा नहीं लगता, एक आधा तो स्क्रॉल वगैरह होना चाहिए जैसे इसमें दे रखा है, ठीक। यहाँ पर आपको सिल्वर ग्लॉसी बिल्कुल मिल रही है सराउंडिंग, ये एसी मिल गए, ये भी अच्छा लग रहा है ओवरऑल, बीच में हम देखते हैं इस तरह से तो अच्छा है। यहाँ पर जगह दे दिया कुछ भी सामान रखने के लिए, कुछ भी रख दो, नीचे मैनुअल एसी मिल रहा है आपको, और एसी इको मोड आप देख रहे हो ये यहाँ पर रखा है, तो भाई ये अच्छी चीज़ है, जैसे एसी चल रहा है पूरी की पूरी अपनी धमाकेदार पावर पे, अब भाई पूरी पावर ले रहा है तो इंजन पे लोड पड़ रहा है, तो थोड़ा सा तेल ज़्यादा पिएगा बिल्कुल, लेकिन आपको उतने की जरूरत ही नहीं, आप अकेले बैठे हो, तो भाई यहाँ पर एसी इको मोड है, इसको करोगे तो थोड़ा सा एसी एफिशिएंसी अपनी कम कर देगा खुद ही, जिससे जो माइलेज है वो भी इंप्रूव हो जाएगी, बढ़िया है। यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट है, ये यूएसबी, ये ऑक्स, ये इस चीज़ के लिए दिए हैं, तो कुल मिला के हो गई बात। अब आती है बात भाई टिपिकल जो हमारा एसयूवी वाला जो गियर नॉब होता है, ये देखो गियर और पूरी की पूरी इतनी बड़ी, बहुत बड़ा है, और देखो ये कैरेक्टर असली बहुत बड़ा ट्रैवल होता है भाई एसयूवी में, फील तो तभी आता है। अब देखो मैं इसको चलाऊं, स्टार्ट करूं, हिलेगा, ये देखो तो भाई यही फीलिंग चाहिए होती है लोगों को, दोबारा से देखते ये बंद करते हुए भी हिला और स्टार्ट करते हुए पूरी गाड़ी हिलना, ये भाई तभी मजा सा आता है, अगर साइलेंटली गाड़ी स्टार्ट हो गई तो वो फील ही नहीं आ पाता एसयूवी वाला, चाहे वो महंगी कितनी हो, कितनी नीचे के रेट हो, वो उसकी बात ही नहीं कर रहा मैं एक फीलिंग वाली बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको स्पेस दिया हुआ है, और भाई कुछ भी सिक्के विक्के रख लोगे, यहाँ पर चारों पावर विंडो हैं, और उसके अलावा ये बटन है बाकी पावर विंडो को इनएक्टिव करने के लिए। तो आप असली चीज़ देखो, बीच का हिस्सा जो सेंटर कंसोल है कितना चौड़ा है, वो इतनी जगह किसी गाड़ी में नहीं मिलती, बीच में कुछ ना कुछ करके जगह कम ही हो जाती है, सीटें चौड़ी कर देंगे कुछ भी, लेकिन यहाँ पर सब कुछ सही है, सीट भी अच्छी खासी है और बाकी जगह भी बहुत है। ये हो गई कहानी हमारी सारी, और बच क्या रहा है, यहाँ पर IRVM डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्टेबल है। ये हो गई हमारी लैंप, सादी बल्ब दिया हुआ है बिल्कुल भाई, लाइट भी बड़ी कम लग रही है, इसको तो चेंज ही कराएंगे जिसको ज़रूरत पड़ेगी। और भाई यहाँ पर माइक दे दिया बात करने के लिए, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिया टिकट होल्डर, यहाँ पर देखते हैं मिरर दे दिया, क्या बात है, मतलब इसमें चीज़ें ऐसी नहीं लग रही कि कुछ कटौती जैसी कर रखी है। यहाँ पर आपको ट्विटर दिया है जिसमें है नहीं कुछ, क्योंकि सेकेंड वेरियंट ही है, 4 स्पीकर ज़रूर मिल जाते हैं आपको। यहाँ देखें स्पेस, हाँ अच्छा खासा स्पेस है, ओ भाई पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है मुझे ये, कई कंपनियाँ मैंने देखी जिसमें एक बढ़िया वाली फीलिंग नहीं आती, लेकिन ये सही लग रहा है, ठीक हो गई बात। बाकी तो सब कुछ दिखाई दिया ना, हाँ, और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हाँ बटन हैं, ये हो गया आपका ESS, ये अपना इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट स्टॉप, मतलब जैसे ही गाड़ी 5 सेकंड खड़ी होगी वहाँ पर जो सिग्नल वगैरह होता है अपना ट्रैफिक में, गाड़ी बंद हो जाएगी, क्लच दबाते ही दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। ये है अपना यहाँ पर डिफॉगर के लिए रियर वाले, और ये यहाँ पर आ जाता है जो इको मोड है अपना, गाड़ी का इको मोड है। ओवरऑल गाड़ी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, जो इसमें जितने भी घोड़े फिट है टोटल वो अभी बताऊंगा जब इंजन सेगमेंट आएगा, तो थोड़े से घोड़े चले जाते हैं रेस्ट पे, और बाकी जो बचे हुए घोड़े हैं वो अपना काम करते हैं आराम आराम से, तो भाई खुराक भी कम लेते हैं। ये हो गया स्क्रॉल बटन अपना, जो हमारी हेडलाइट है उसको लेवल करने के लिए। तो ओवरऑल बात हो गई पूरी यहाँ पर, हाँ एडजस्टमेंट रह गया था, तो भाई एडजस्टमेंट बिल्कुल टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है, ठीक है बात। अब उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है वाइपर का स्टॉक और उसके साथ हेडलाइट का स्टॉक, दोनों का दोनों मैनुअल है। तो भाई इस तरह से आगे का पोर्शन तो हो गया पूरा, ABC पैडल यहाँ पर दिए हुए हैं, स्पेस अच्छा है, लेकिन डेड पैडल नहीं है, गायब है। चलो अब उतरते हैं अपने जहाज़ से नीचे को, अच्छी खासी ऊँचाई है, देखो
बड़ी गाड़ी तो है यार कोई, भले सब 4 मीटर 4 मीटर के अंदर वाली है, एक तरफ i20 खड़ी कर दो, एक तरफ ये खड़ी कर दो, लेंथ दोनों की बराबर रहेगी। लेकिन जो कैरेक्टर इस गाड़ी का है ओवरऑल डायमेंशन से है ना, रियर का ट्रिम जैसा आगे का है वैसे पीछे का, भाई यहाँ पर बटन दिया हुआ है जो पावर विंडो हमारी उसके लिए। तो यहाँ आते हैं, ओहो यहाँ पर भाई ये रखे हैं व्हील कवर हमारे इस पे लगने के लिए, मतलब कंपनी से आते हैं, और यहाँ पर हमारा कवर भी रखा है भाई इसके लिए। तो भाई इसमें कवर भी आता है, ठीक यहाँ पर रखा हुआ है ये रहा कवर, और लगने के बाद तो बढ़िया ही लगेगा। तो ओवरऑल सीट की बात करें, पीछे की तरफ इंक्लाइंड है, ये बढ़िया है, और कंफर्ट अच्छा आता है, ये भी काफ़ी ऊंचाई पर है, देख रहे हो चौड़ाई अच्छी खासी है, क्योंकि जो डोर वगैरह की मोटाई है उतनी खास नहीं है, जिस वजह से अंदर स्पेस पूरा मिलता है। मैंने 4 लोग आराम से बैठे हुए इसमें देखे हैं, मैंने क्या आप सब ने भी देखे होंगे, ये गाड़ियाँ आती इसी काम में हैं। पीछे बंदा बैठने के लिए कहता है यार यहीं एडजस्ट हो जाओ आगे पीछे होके, हम पर भी उतना ऊंचा नहीं है देखो, बिल्कुल ना के बराबर है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ पर आपको कप होल्डर वगैरह मिल जाते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर भी हेडरेस्ट दिए हुए हैं एडजस्टेबल, और बीच में कुछ नहीं मिल रहा, हेडरेस्ट तो है ही नहीं, आर्मरेस्ट भी नहीं है यहाँ पर, ठीक। और अब ज़रा चलते हैं पीछे, क्योंकि जादूगरी तो पीछे ही है। तो भाई ये है, अरे बड़ा भारी लग रहा है भाई, भारी होना ही है, इतना भारी जो टायर है अपना वो इस पे लगा हुआ है, खोलने में भी काफ़ी हैवी लग रहा है। इस तरह से पूरी की पूरी वाइड ओपनिंग कहते हैं इसे भाई, अल्ट्रा वाइड ओपनिंग है ये, और अंदर जो ट्रिम है पूरा फैब्रिक है, फैब्रिक नहीं जो हमारा वो होता है रैक्सिन वगैरह वो है गत्ते वाला, हैंडल दिया हुआ है यहाँ ऐसे खींच के बंद करने के लिए, और ताकत जब पूरा खुला हुआ काफ़ी ज़्यादा लगती है अंदर जो बैठा हुआ आदमी। तो भाई इस तरह से बाकी कुछ है नहीं इसमें खास, हैंडल वगैरह दिया है लॉक खोलने के लिए। ये आती हैं सीट्स, तो भाई सीट्स इसमें जंप सीट दी हैं बच्चे के लिए ही है ये, बड़े बंदे जब बैठते हैं अंडर थाई सपोर्ट होता नहीं है, चौड़ाई उतनी होती नहीं है, जिस वजह से पैर आपस में भिड़ते हैं, ये चीज़ रियलिटी है। यहाँ पर बहुत अच्छे 4 बंदे भी आसानी से बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन बच्चे तो बड़े खुशी खुशी बैठते हैं इसमें, क्योंकि पीछे से चढ़ने की जो फीलिंग होती है एक थोड़ा अलग सा ही उन्हें फील आता है, तो कहते हैं हम पीछे बैठेंगे। और भाई फोल्ड भी हो जाती हैं ये इस तरह से, इनको उठाया और इसको कर दिया यहाँ से फोल्ड, तो भाई इस तरह से हो जाएगी ये फोल्ड, और जब ये वाली फोल्ड हो जाएगी तो बूट स्पेस बहुत हो जाता है, 384 लीटर का बूट स्पेस है सीट वगैरह फोल्ड करके, और जब खुल जाती हैं फिर तो भाई मैनेज करना पड़ता है कहाँ कहाँ सामान रखना है, ठीक हो गया। इस तरह से कहानी, यहाँ पर हैंडल दिया हुआ है, क्योंकि जब चढ़ेंगे इस पे पैर रख के तो कहाँ से पकड़ के चढ़ेंगे, यहाँ से, ओए होए होए। तो भाई ओवरऑल गाड़ी जो है अपनी अंदर से देख ली बाहर से देख ली, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो गई कवर करने को बचा के, हाँ यहाँ पर ये विंडो ये चीज़ रह गई थी, अक्सर गाड़ी में आपने देखा है ये खुलते नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये खुल भी जाते इस तरह से, 1.5 इंच करीब ही है ओपनिंग, ज़्यादा ही है नीचे से तो ज़्यादा ही है यहाँ से, तो ये हो जाती है। कई बंदे होते हैं ना कि हमें उल्टी उल्टी आती है, तो उनके लिए बहुत सही है, इसको कर देते हैं ऐसे ही बंद, तो ये हो गई है बंद। अब इसको भी करते हैं बंद भाई यहाँ से, और ओवरऑल गाड़ी हो गई है कंप्लीट अपनी। अब बात आती है इंजन की, क्योंकि जो घोड़े फिट थे जो मैं बता रहा था आपको, कुछ शांत हो जाते हैं कुछ चालू रहते हैं, तो वो कैसे दिखते हैं वो तो दिखाएं ज़रा। यहाँ पर दिया अपना लीवर, खुल गया हाँ, अरे भाई इतना, ओ भाई साहब बतेरा भारी है, बहुत भारी है सही में, जल्दी निपटाता हूँ इसे, हाथ दुखेगा। यहाँ पर इंसुलेशन दी हुई है बढ़िया तरीके से, ये दिख रहा है यहाँ पर आपको इंजन, यह 1500 cc का 3 सिलेंडर है। अब कवरिंग वगैरह हर कंपनी ने बंद कर दिया, खुला है सांस लेता रहे दिखता रहता है भाई कितनी इंजीनियरिंग कर रखी है, ढक जाता तो सोचते क्या ही इंजन है भाई है ना। तो पावर की बात करें 100 bhp देता है ये, और उसके बाद टॉर्क देखते हैं तो 260 Nm का टॉर्क देता है, जो कि बहुत सही है। ये आप देख रहे हो ये पूरे मटके से छोटे बड़े, तो भाई ये मिल जाता है आपको टर्बो चार्जर। तो इस तरह से पूरा का पूरा इंजन आप देख रहे हो, लेआउट कुछ ABS यूनिट यहाँ पर लग रही है कोने में, ABS विद EBD आ जाता है। इसको करते हैं भाई बंद, अब बस के नहीं है अपने उठाना। तो हाँ ये भी फीचर है देखो, जैसे महिंद्रा की हर गाड़ी में आ रहा है कि जैसे ही हमारा ये ओपन होता है, मतलब कोई ब्रेकडाउन वगैरह है वो गाड़ी ये समझती है, तो ऑटोमेटिक हज़ार्ड लैंप जो कि चीज़ होनी चाहिए वो इसमें जल जाते हैं, हमें दबाना नहीं पड़ता क्योंकि जनरली भूल जाता है यार आदमी, ठीक है। तो ये है कुछ गाड़ी भाई, दोबारा से आते हैं कीमत पे, 9,99,995 रुपये कीमत है, N8 वेरियंट है, चीज़ें सारी आपको दिखाई दी भाई, प्रॉपर SUV है रियर व्हील ड्राइव के साथ। और अगर ऑन रोड की बात करें दोबारा से बताता हूँ, महिंद्रा का शोरूम है अपना कुमार ऑटो व्हील रुद्रपुर में उत्तराखंड, यहाँ पर आप देखते हो तो भाई ये पड़ती है करीब करीब आसपास 11.5 लाख रुपए के ऑन रोड। तो भाई इस तरह से थी गाड़ी, गाड़ी कैसी लगी बताना, तो गाड़ी तो ज़बरदस्त है भाई, प्रॉपर ऐसी हुई है। आजकल छोटे मोटे जो नेता, बड़े नेताओं की बात नहीं कर, छोटे मोटे नेता नेतागिरी इसी में ही करते हैं। तो गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुबह चैनल को। जय हिंद।